तो चलिए अब आप लोग लाइब्रेरी अपनी देखिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ आ जाइए, देखिए ये आपके मोटिवेशनल कोट्स लगा रखे हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। स्वामी विवेकानंद। अब आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के आप लोगों को 3 मैप जरूर लगाना है। एक आप लोगों को आपके स्टेट का, एक आपको अपने भारत का, एक आपको अपने अपनी दुनिया का। और सरस्वती माता हो गई, ये आप देखिए किताबें हो गई आपकी सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस के लिए। ये आपका एक दुनिया का मैप हो गया, ये विवेकानंद साहब हो गए, ये आप देख रहे हैं कौन हो गए, ये आप लोग देखिए तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लो जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। हमारे देश के राष्ट्रपति आप लोग बताइए कौन है, ये आप देखिए एक कोर्स आप लोगों के लिए लगा रखें। अब आप देखिए सीट, देखिए आप एक सीट आपको बताता हूं, मान लीजिए ये सीट आप लोग देखिए एक बड़ी सीट है, आप देखेंगे आसानी से, आप देखेंगे किताबें रख के आप पढ़ सकते हैं और बगल में लैपटॉप रख सकते हैं, देखिए काफी बड़ी सीट है यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ एक तरफ किताबें रख लीजिए, एक तरफ पढ़ना शुरू कर दीजिए, चेयर है आपकी कंफर्टेबल है काफी, चेयर मुझे भी ठीक लगता है, और बाकी लाइटों की ठीक सुविधा है सब जगह, आप देखते हैं कि बराबर लाइट आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपका हो गया। सामने भी आप देखिए कुछ टेबल अभी डलना है, इस तरह की कुर्सियां डलेंगी आपकी। फिर आप देखिए अंदर चलिए, फिर आप देखते हैं ये आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ की लाइट चालू कर ली जाए। यहाँ आप देखिए और शांति चाहिए तो यहाँ बैठ जाइए, यहाँ आप देखिए किताबें अपनी रख दीजिए, यहाँ आप देख लीजिए ऊपर रैक भी है, रैक पर भी आप किताबें रख सकते हैं। यहाँ भी आप देखिए मैप आपको देखने को मिल जाएगा, हर जगह लगभग कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो आप मोटिवेटेड होते रहें पढ़ते रहें। देखिए काफी लंबी है, आपको काफी जगह देखने को मिल जाती है यहाँ, और यहाँ भी देखिए मैप एक आपको देखने को मिल जाता है भारत का। इस तरह से आप देखेंगे, अब बंद कर दें अंधेरा हो गया। सामने आप देखिए यहाँ आप लोगों को इतना लंच के लिए मिल जाता है, अपनी कुर्सी रखिए खाइए फुर्सत हो जाइए। सामने आप देखेंगे बाथरूम और लेटरिंग आपको देखने को मिल जाएगा, एक रूम ये भी है, इसमें अभी आप देखेंगे काम चल रहा है, डलेंगी टेबलें आपकी तो वो भी उसमें और शांति आप लोग देख सकते हैं, काफी शांति उसमें और रहेगी और अंदर है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे अपनी लाइब्रेरी का ये हाल है। किताबें आपको स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस के लिए मिल जाएंगी, न्यूज़पेपर आप जो कहेंगे वो आपका उपलब्ध होगा, बस काम का होना चाहिए, लोकल कोई मतलब नहीं रहता है। तो दैनिक जागरण अगर आप पढ़ना चाहें तो एक दिन बाद का मिलता है ना, भोपाल में आप देखते हैं आप सभी जानते हैं भोपाल में कोई भी नेशनल एडिशन अच्छा किसी एग्जाम के लिए पढ़ेंगे लेंगे तो वो एक दिन बाद का ही मिलता है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये अपना लाइब्रेरी है। काफी शांति मुझे लगती है, एरिया भी ठीक है, शांति भी ठीक रहती है। चलिए तो बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, किताबें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। आप कहीं भी रहते हैं, आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और स्टेट पीसीएस में आप देखिए चाहे एमपीपीएससी हो, बिहार पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, तो आप लोगों को मैप जरूर लगाना है, तीनों मैप लगाना है, और एटलस की किताब आपको अपने पास रखनी है, और पुराने क्वेश्चन पेपर अपने पास रखना है, और क्या सिलेबस भी आपको रखना है, पैटर्न भी समझना है, सब कुछ समझना है, ठीक है। चार्जिंग की पूरी व्यवस्था है आपके लिए, चार्जिंग भी आप लैपटॉप ले आते हैं तो चार्जिंग की भी व्यवस्था रहती है। तो चलिए यही है जो है, मुझे शांति भरा माहौल लगता है, बाकी आप जानिए, ठीक है।